आवाज आ रहा है सभी को? ठीक, यस सर। ओके लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किए थे किसी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए। हम लोग देखे थे उसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, मतलब वायर के अराउंड एन सर्कल्स बनेगा और जो एन सर्कल्स बनेगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगा बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, है ना। राइट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट किया, एम्पियर राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखे थे किसी सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए देखे थे और इसके अलावा हम लोग सर्कुलर कॉइल के लिए भी देख लिए थे, ठीक है, कि सर्कुलर कॉइल के लिए कैसे बनता है। तब लोग देखे थे क्या कि एक सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट के उसमें देखे थे कि एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं स्ट्रेट, उस पर कार्डबोर्ड लगा देते हैं, कार्डबोर्ड पे व्हाइट कलर का पेपर को चिपका देते हैं, ठीक है। उसके बाद उस वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वायर पे करंट फ्लो करता है और कार्डबोर्ड पे क्या करते हैं, कार्डबोर्ड पे कुछ आयरन के डस्ट को या फिर आयरन फिलिंग्स को, मतलब आयरन डस्ट को उस पर अच्छे से हम लोग जस्ट ये कर देते हैं, स्प्रिंकल टाइप में कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी करंट वायर से पास करना शुरू कर रहा था, ठीक है, जब मतलब वायर से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, तो हम लोग देख रहे थे कार्डबोर्ड पे एक शेप बन गया, ठीक है। कैसा शेप बना? सर्कुलर टाइप का, कंसेंट्रिक रिंग्स जैसा, ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स जैसा सर्कुलर शेप बन गया अराउंड द कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ। और डायरेक्शन कैसे फाइंड किए हम लोग? डायरेक्शन फाइंड किए फ्लेमिंग, ठीक है, सॉरी एम्पियर, फ्लेमिंग नहीं, एम्पियर, राइट हैंड थंब रूल से। तो हम लोग का जो थंब है वो पॉइंटेड कर रहा है करंट को और जो हाथ है बाकी जो फिंगर्स है कर्ल फिंगर्स एंड सर्कल्स वो एक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। अगर हम थंब को जस्ट रिवर्स कर देंगे तो हम लोग का जो कर्ल फिंगर्स का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट क्या देखे थे? इसके बाद देखे थे कि किसी भी फर्दर एक दो कार्डबोर्ड पे हम लोग एक कार्डबोर्ड पे होल करते, दो होल करते और एक सर्कुलर वायर को उसके थ्रू पास करते हैं। तो सर्कुलर वायर के क्या देखे थे, ऐसे सपोज ऐसा कोई कार्डबोर्ड था अपने पास, है ना, सही याद होगा, ऐसा एक हम लोग क्या किए थे, कार्डबोर्ड लिए थे, इस तरह एक कार्डबोर्ड था और इसके थ्रू हम लोग ऐसे वायर को पास किए थे और यहाँ जो भी वायर हम लोग शेयर नहीं किए, क्या स्क्रीन शेयर नहीं किए, क्या बोल रहे, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, देखो तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट ये वाला किए थे, एक तो कंडक्टिंग वायर वाला स्ट्रेट वायर और एक क्या दिखे थे किसी कार्डबोर्ड कैसे कंसीडर किए थे ना, कोई कार्डबोर्ड लिए थे इसके थ्रू ऐसे तो कोई सर्कुलर वायर को जिस जिस तरह पास कर दिए थे, है ना, सर्कुलर वायर से बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दिए थे, इसके थ्रू ऐसे करंट फ्लो कर रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होता, इन सर्कल रिंग बनता और यहाँ पे भी इन सर्कल रिंग बना था, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फिर से क्या लगा दिए थे, थंब रूल लगा दिए थे, ठीक है, डायरेक्शन मिल गया था। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, कौन कौन सा, एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में, तो डायग्राम अच्छे से लिखना है प्लस डायरेक्शन को अच्छे से दिखाना है एरो से। और दो 2 मार्क्स क्वेश्चन में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में थंब रूल क्या होता है, एम्पियर थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वो भी लिखने के लिए आता है। तो हम लोग हमेशा बोलेंगे इफ यू कंसीडर If we consider direction of current is along our thumb, then in circles of our right hand, we show the direction of magnetic field. In circles with curled fingers, we show the direction of magnetic field. ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसका स्टेटमेंट हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे। अच्छा, तो आज हम लोग सोलेनोइड पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जैसे किसी ने बताया था सोलेनोइड के बारे में थोड़ा बहुत, है ना, कि सर सॉलिनॉइड और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, तो हम लोग डिफरेंस को डिस्कस किए थे।
तो सोलिनॉइड एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, सोलिनॉइड इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, देखो सोलिनॉइड को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, सोलिनॉइड एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब भी तुम ये वाला टर्म सुनोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका मतलब बस यही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी तक अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा जब तक हम लोग करंट को पास कराए, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग कंडक्टिंग वायर पे करंट को पास कराएंगे तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट और द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। बट ये तभी तक अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा जब तक हम लोग करंट को पास कराएंगे, यानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, करंट, है ना, मैग्नेट मतलब मैग्नेट। तो जब हम लोग करंट को पास नहीं करेंगे उस समय उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि सिंपल इसका एग्जांपल हो गया कोई भी करंट कैरिंग लूप इज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर इज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनोइड इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम लोग सोलेनोइड देखेंगे आज कि सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अच्छा, उसके पहले तुम थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ सर्कुलर कॉइल, ठीक, सर्कुलर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टी वो कैसा बनेगा। एक तो हो जाएगा ये वाला पहला पॉइंट जो यहाँ पे है, पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, एट द पॉइंट्स वेयर द करंट एंटर और लीव कॉइल इज लाइक अ स्ट्रेट वायर, हेंस द लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड दिस पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट सर्कुलर। ऑब्वियसली जहां पे करंट लीव कर रहा है या जहां से करंट लीव कर रहा है या फिर जहां से करंट एंटर कर रहा है वो तो एक स्ट्रेट ही कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, जैसे हम लोग सर्कुलर वाले डायग्राम पे देखें, इससे उसके आसपास सर्कुलर कॉइल वाले डायग्राम पे देखें, इसलिए उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा सर्कुलर ही बनेगा, प्रीवियस क्लास का डायग्राम, ठीक। लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द कॉइल्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, कॉइल्स के अंदर जो लाइन ऑफ फील्ड होगा उसका डायरेक्शन हमेशा सेम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल यूनिफॉर्म एज द लाइंस फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर ऑफ द कॉइल पे वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग करंट। ये भी हम लोग बात पढ़ चुके थे पिछले क्लास में कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, अगर हम लोग करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, ठीक। अच्छा, एक बात याद रखना, सुनो, कैसे भी करंट कैरिंग लूप में डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, देखो इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। जैसे मान लो ये कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना दे करंट कैरिंग लूप का, सपोज मान लो ये कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है और उसपे हम लोग कुछ ऐसा, ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे करंट का डायरेक्शन लेते हैं, ठीक, बताओ ये कैसा डायरेक्शन लिया, क्लॉकवाइज लिया क्या एंटी क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। अच्छा, और एक बार हम लोग एक और कॉइल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेम तरह का कॉइल लेते हैं, सीमित एक कॉइल, बोलो, कोई डाउट है किसी को, बोलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, किसी को आवाज आ रहा है तो बता दो, किसी को आवाज आ रहा है क्या? नो सर, ये कुछ बोलना चाह रही, क्या डाउट कुछ है शायद, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, बोलो क्या डाउट है बताओ, तो ये हो जाएगा। इस बार डायरेक्शन को सपोज हम लोग रिवर्स कर दिए, ठीक है, अब ये डायरेक्शन कैसा हो गया, अभी हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला को हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं, इससे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग करंट का डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, ये दिख रहा है ना, इसको हम लोग मानते हैं सपोज द
डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको हम लोग क्या कंसीडर करें, डायरेक्शन ऑफ करंट, कोई भी किसी को डाउट होगा पूछना, ठीक है, आराम से समझो और थोड़ा रिवाइज करना घर में, बहुत सिंपल चैप्टर तुरंत हो जाएगा, जितना पढ़ाएंगे घर में आके रिवाइज करना है बस। यहाँ पे इसको हम लोग लिए डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो ये साउथ पोल होगा। कैसे बनाएंगे साउथ पोल को, एक एस ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, है ना, सिंपल, एक हम लोग ऐसे एस ड्रॉ कर लेंगे, एरो बनाएंगे, एरो कैसे जा रहा है, इस तरह जा रहा है, तो ऐसा हम लोग के पास एक ऐसे एस बनाएंगे, ठीक है, और कैसे जा रहा है, घूम रहा है इस तरह, तो देखो डायरेक्शन तो वही शो कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा साउथ पोल, समझ में आ गया, ये होगा साउथ पोल, मतलब जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज रहेगा तो कैसा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, इफ द करंट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फेस डेवलप साउथ पोलैरिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल इफ द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फेस डेवलप साउथ पोलैरिटी, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फेस डेवलप्स नॉर्थ पोलैरिटी। अब यहाँ पे तुम एक एंड ड्रॉ करोगे ऐसे, जस्ट ऐसा एक एन को ड्रॉ करोगे, एरो ऐसे बना दोगे। देखो एरो क्या बता रहा है, एरो यहाँ पे बता रहा है इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह हम लोग करंट कैरिंग वायर पे पोलैरिटी को चेक करेंगे, कौन सा साउथ हो जाएगा, है ना, साउथ पोल, और कौन सा हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे दिया गया है कि लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल इफ द करंट इज फ्लोइंग इन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन the phase develops south polarity, if it is anti-clockwise direction the phase develops north polarity। ये याद रखना बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, तो जहां पे भी करंट दिखेगा कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है वहां पे कैसा पोलैरिटी बनेगा, वहां पे बनेगा साउथ पोलैरिटी, साउथ पोल। जहां पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिखेगा वहां कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोलैरिटी बन जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को, एनीवन, कोई डाउट किसी को है, बोलो सर। थर्ड और फोर्थ पॉइंट समझाइए ना, थर्ड और फोर्थ पॉइंट इसमें। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल यूनिफॉर्म्स, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल इज यूनिफॉर्म एज द लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, कोई भी कॉइल जैसे होगा मान लो, अब इसका डायग्राम बनाएंगे ना सोलेनोइड का तो पता चल जाएगा, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कोई भी एक कॉइल है, ये कोई कॉइल हो गया, मतलब एक कॉइल टाइप का है जिसमें हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर से उंड कर दिए, ठीक, कि सॉफ्ट आयरन कोर पे उंड कर दिए, ऐसे ऐसे करके स्पाइरल टाइप को उंड कर दिए हम लोग। तो एट द सेंटर ऑफ द, क्या बोला गया थर्ड पॉइंट में, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल इज यूनिफॉर्म एज लाइन फोर्स पैरेलल टू ईच अदर। सेंटर ऑफ द कॉइल ये वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो फील्ड लाइंस बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इस तरह बनेगा। अब इसका डायग्राम देखेंगे हम लोग, बार मैग्नेट की तरह ऐसा फील्ड लाइंस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है आपस में, ठीक है, और यूनिफॉर्म है। सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल और यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक। और जहां से फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, एट द सेंटर द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। इसमें बस यही बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा करंट को बढ़ाने से, ठीक है, तुम बात जानते हो कि जितना स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। उसके पहले ये दिया गया, एट द सेंटर द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का ये प्लेन हो गया, और कॉइल को ऐसे रखें, तो इसको जस्ट अगर तुम इमेजिन करो थ्री डायमेंशन पे, तो मान लो इसको डायग्राम तुमको दिखाते हैं, ठीक है, इसका सॉलिड बताते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि देखो सर थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए ना, यहां से मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर और नेटवर्क इशू से तो लेट जाएंगे हम। अच्छा, हम बता दे रहे हैं, ठीक, बता दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे बस वही दिया है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगा करंट बढ़ाने से, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल रखा हुआ उसका प्लेन और पूरा जो फील्ड लाइन है वो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है डेफिनेटली, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक रख दिए। हेलो
हेलो सर, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट किए हैं आज, अच्छा ठीक है। पहले कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, ठीक है। सुन लो, जो लेट से ज्वाइन किए सुन लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सब लोग सुन लो, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, फिर जिनको नहीं अभी तक क्लियर हुआ है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक बार इसको सुन लो, ठीक है। देखो, ये सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज है। कोई भी करंट कैरिंग लूप या फिर करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक अ मैग्नेट, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा उसका। जैसे कोई सर्कुलर कॉइल भी एक अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एज वेल एज कोई कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी बोला गया। पहला पॉइंट ये बोला गया कि कहीं पे अगर करंट एंटर करता है, लीव करता है ना किसी पॉइंट पे, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? ऑलमोस्ट सर्कुलर बनेगा ऑब्वियसली। मान लो तुमने ऐसा कोई वायर लिया, है ना, ऐसा कोई वायर लिया, देखो कोई भी, सपोज मान लो तुमने ऐसा कोई वायर लिया, ठीक, यहाँ पे करंट मान लो एंटर किया और यहाँ से करंट लीव कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह कंसेंट्रिक रिंग ही तो बनेगा। यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ भी कंसेंट्रिक रिंग बनेगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थंब ऊपर है, यहाँ पे थंब डाउनवर्ड तरफ है, ठीक, वही बोला गया है, पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अच्छा, या फिर मान लो तुमने सर्कुलर कॉइल भी लिया, सपोज ऐसा सर्कुलर कॉइल भी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी सर्कुलर कॉइल से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर कॉइल से करंट लीव कर रहा है, इसके आसपास भी कैसा बनेगा? ऑब्वियसली सर्कुलर ही बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा? सर्कुलर ही बनेगा। ये भी हम डायग्राम देख लिए एक्सपेरिमेंट से, ठीक, तो वही बोला गया है। फिर बोला गया था लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड कॉइल्स आर इन सेम डायरेक्शन। ये बताएंगे अभी, इसका डायग्राम बताएंगे सोलेनोइड का, ठीक है। कोई कॉइल्स के इनसाइड पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो सेम डायरेक्शन पे रहेगा, सेंटर ऑफ द कॉइल पे यूनिफॉर्म रहेगा। मान लो ऐसा कोई कॉइल है, ऐसा कॉइल्स है तुम्हारे पास कोई सर्कुलर कॉइल्स जिसमें कुछ टर्न्स है लाइक सोलेनोइड, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनता है ना, इस तरह बनेगा, सिमिलर टू बार मैग्नेट, बट इस कॉइल्स के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्ट्रेट लाइन की तरह, ठीक, वही बोला गया है। तीसरा बात, चौथा बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता है करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने से, और जहां पे कॉइल रखा हुआ है उस कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक लाइंस का प्लेन जो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहता है, ठीक। ऑब्वियसली अगर तुम थ्री डायमेंशन में सोचोगे तो एक कॉइल रखा हुआ है और उसका फील्ड लाइंस को इमेजिन करो, तो जो प्लेन है फील्ड लाइंस का हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे बताए हैं, देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है, लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल। मान लो तुमको करंट कैरिंग वायर को देखते हुए पोलरिटी चाहिए, कौन सा नॉर्थ पोल की तरह रिएक्ट करेगा और कौन सा एंड साउथ पोल की तरह रिएक्ट करेगा। अगर किसी कॉइल पे, ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इस पे करंट अगर, ठीक है, इफ करंट फ्लो करेगा कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, हम लोग कॉइल के फेस को देखेंगे, और यदि करंट जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, तो फेस कैसा पोलरिटी डेवलप करेगा, फेस साउथ पोल डेवलप करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, फेस नॉर्थ पोल डेवलप करेगा। देखो यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल को ड्रॉ किए, ऐसा सर्कुलर कॉइल ड्रॉ कर लिए, सर नहीं समझ में आया, सर क्या बोलो, नहीं समझ में आया सर ये पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, हाँ यस सर, अभी ज्वाइन किए क्या? नहीं सर अभी ज्वाइन नहीं किया, समझ नहीं आया। अच्छा समझ नहीं आया, बता दे रहे हैं, देखो देखो स्टार्टिंग से बता दे डायग्राम, ठीक, ध्यान से समझना सब लोग, इसको मिटा के फिर से हम बना दे रहे हैं, फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट सब लोग समझो, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जब भी देखेंगे इसी का यूज होगा ज्यादातर पोलैरिटी निकालने में। देखो क्या करोगे, सबसे पहले एक एक करके समझो आराम से, ठीक। मान लो कि ऐसा एक, एक सेकंड रुको, कोई भी ऐसा एक कॉइल लिए हैं, ठीक है, पहला कॉइल ऐसा ले लिए, एक और कॉइल ले लेते हैं, ठीक, एक हम लोग यहाँ पे एक सिमिलर और एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहला कॉइल पे सबसे पहले काम करो, इस पे करंट को फ्लो कराओ, कैसे फ्लो कराओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे फ्लो होगा,
ऐसे फ्लो होगा, सपोज क्लॉकवाइज कैसे फ्लो हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और इस पे फ्लो कर रहा था सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक और कॉइल में मान लो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज आता तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जस्ट इसका उल्टा डायरेक्शन, ठीक, तो ये क्या होगा, एरो जो दिखाया क्या है बेसिकली, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक, और यहां पे ये जो एरो दिखा ये भी क्या है, ये भी डायरेक्शन ऑफ करंट ही है, बोलो यहाँ तक क्लियर ना, यस सर, यस सर, समझ आ गया होगा, yes, दोनों कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिए, ठीक, अब देखो एक में कैसा है, एक में है क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ये क्या दिख रहा है, ये है क्लॉकवाइज, इट इज नथिंग बट क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, अब देखो जिधर डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिए हो, ठीक है, वहां पे कैसा पोल बनेगा, वहां पे बन जाएगा साउथ पोल, याद कैसे रखोगे, ऐसे एक एस बनाओगे, ठीक है, एक एस बना दोगे, देखो अगर ऐसा एस बनाते हो ऐसा, रुको एक सेकंड, ठीक से बना देते हैं, ऐसा बस एक एस ड्रॉ करोगे, है ना, सिंपली ऐसे एस ड्रॉ करोगे, देखो तो एस ड्रॉ करोगे ना, तो एस में यहाँ पे कैरो लगाओगे स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरह, और यहाँ पे कैरो लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या है इसका मतलब, एस का मतलब साउथ होता है, एस फॉर साउथ, और पोलैरिटी कैसे शो कर रहे हो, पोलैरिटी कैसे शो कर रहे हो, ऐसे शो कर रहे हो, ऐसे एस बना दे रहे हो, है ना, इस तरह ऐसा करके ये, तो देखो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ऑब्वियसली क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, एंड पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये साउथ पोल है, यानी याद रखना जब भी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये साउथ पोल बनेगा, और यहाँ पे एन बना देना नॉर्थ, जब एंटी क्लॉकवाइज में, तो नॉर्थ करोगे तो एन ऐसा बनेगा ना, ऐसा एन बनेगा, तो एन में एक एरो यहाँ दे दोगे, और एन को इस तरह थोड़ा बनाओगे, और एक एन में एरो यहाँ दे दोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आ गया, तो यही बोला है, लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फेस डेवलप्स साउथ पोलैरिटी, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फेस डेवलप्स नॉर्थ पोलैरिटी, बोलो आप समझ में आ गया, आगे देखते हैं हम लोग, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, और ठीक है चलो आगे देखते हैं, ठीक है, हाँ बोलो, नहीं है ना, ठीक है, अब देखो सोलिनॉइड कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है, सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, रुको एक सेकेंड, रुको स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना, यस सर, यस सर, रुको तो उसको थोड़ा हम ये कर देते हैं, ठीक से अरेंज कर देते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब एक बार देखोगे तो ये सब तुरंत याद हो जाएगा, बस रिवाइज कर लेना घर में एक बार, और इसके बाद ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है, सॉलिनॉइड हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इंडक्शन, फिर मोटर और जनरेटर, बस सारे चीज को अच्छे से रिवाइज करोगे, डायग्राम्स को, कॉन्सेप्ट को, सवाल को फिर डिस्कस करें, क्वेश्चन आंसर, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड का मतलब क्या सिखाए थे, सॉलिनॉइड का मतलब होता है कोई भी अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर को, मान लो कॉपर का कोई वायर है, तो उसको ऐसे कर उंड करते इस तरह, ठीक है ना,
इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड. दिस कॉइल बिहेव लाइक ए सोलेनोइड. बट इसको हम लोग किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे वुंड करते हैं, मतलब कोई सिलिंड्रिकल शेप होता है आयरन का, उस पर वुंड करते हैं ताकि वो थोड़ा स्ट्रेंथ अच्छा हो मैग्नेट का. ठीक है, तो एक बिहेव लाइक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. बट कब करेगा? जब इस पे करंट को पास कराएंगे, ऐसे करंट को इस पे पास करना पड़ेगा तभी ये बिहेव करेगा. करंट पास नहीं करोगे तो बिहेव नहीं करेगा मैग्नेट की तरह. दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. ठीक है, तो व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड अराउंड अ सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड और सम अदर कोर, सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड पे वुंड कर सकते हैं या फिर कोई अदर कोर जैसे सॉफ्ट आयरन कोर, इस तरह के मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड. ये बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, एंड दिस इज कॉल्ड योर सोलेनोइड. ठीक है, ये कब काम करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास करता है. इसको सोलेनोइड भी बोलते हैं, कभी कभी इसको हेलिक्स भी बोलते हैं, हेलिक्स शेप की वजह से ऑल्सो कॉल्ड हेलिक्स, बट ज्यादातर इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड. ठीक है ना, सोलेनोइड, NOID. समझ में आ गया? बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है. ठीक है, भाई पूछेंगे तुम लोग से, सुन लो ध्यान से. तो व्हेन एनी कॉपर कॉइल इज वुंड अराउंड अ, जब किसी भी कॉपर कॉइल को हम लोग वुंड करते किसी सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड पे और किसी अदर कोर पे, मैग्नेटिक कोर पे, मतलब सॉरी सॉफ्ट आयरन कोर पे, और यदि इसके थ्रू हम लोग करंट पास करते इस कॉइल के थ्रू, तो ये बिहेव करे एक मैग्नेट की तरह, तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड, और दिस प्रोसेस, दिस सेटअप इज कॉल्ड सोलेनोइड और हेलिक्स. ठीक, अब ये कैसे काम करता है? जब भी हम लोग इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, ठीक है, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और डेफिनेटली मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. तो शुरू में ही हम पढ़ाए थे मैग्नेट की तरह जो भी बिहेव करता है उसका कुछ अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है. तो इस पे भी दो पोल होगा, ऑब्वियसली दो पोल होगा क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. डाइपोल नेचर का बनेगा, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल. ठीक है, डाइपोल नेचर का बनने लगेगा ये भी, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह होगा. अब देखो तुमको हम पढ़ाए थे बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट पढ़ाए थे. तो जैसा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे देखो डायग्राम पे, ये वाला डायग्राम, इसी का फ्रंट व्यू दिखाया गया है. तो जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, याद है, इस तरह बार मैग्नेट होता था, सभी को याद होगा. और इस पे हम लोग इस तरह फील्ड लाइंस बनाते थे, ऐसा फील्ड लाइंस बनता था बार मैग्नेट पे भी. ठीक है ना, रुको एक सेकेंड, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं. ठीक है, मान लो ऐसा एक बार मैग्नेट था, है ना, इसका भी हम लोग इस तरह कुछ कुछ फील्ड लाइंस देखे थे, इस तरह होता है, कुछ प्रॉपर्टी बताए थे. ठीक है, नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगा, मान लो नॉर्थ ही साउथ है, नॉर्थ से ओरिजिनेट करता है, साउथ पे टर्मिनेट करता है, इस तरह देखे थे हम लोग. तो ये हम लोग का क्या था? ये हम लोग का था एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट. तो जिस तरह बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, सिमिलरली सोलेनोइड का भी उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का मैग्नेट है. अंतर यही है, सोलेनोइड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके अलावा इस पे पोलैरिटी को बदल सकते हैं, पोलैरिटी फिक्स नहीं होता है, ये एक टेम्पररी मैग्नेट है. जैसे ही तुम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, वैसे यहाँ का पोलैरिटी बदल जाएगा. जैसे मान लो यहाँ पे साउथ पोल दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल दिख रहा है ना, और नॉर्थ पोल पे देखो ओरिजिनेट कर रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पे टर्मिनेट करता दिख रहा है रो. जैसे ही तुम करंट के डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ साउथ बन जाएगा, और डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि इसका पोलैरिटी फिक्स नहीं है. बट बार मैग्नेट का पोलैरिटी फिक्स है, हम लोग इसके पोलैरिटी को जब मन बदल सकते हैं. कैसे? करंट के डायरेक्शन को हम लोग अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, और इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट. अभी देखो सोलेनोइड कैसे काम करता है, सोलेनोइड का डायग्राम दिख रहा है. मान लो कि यहाँ पे हम लोग करंट एक बैटरी लगाए थे, सपोज, ठीक है, दिया नहीं पूरा डायग्राम, या अगर पूरा डायग्राम देता तो कुछ ऐसे हम लोग बना सकते थे. मान लो यहाँ पे इस तरह कुछ एक बैटरी लगा रहता है ना, बहुत सिंपल सा डायग्राम है. अब देखो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, करंट ऐसे जा रहा है, देखो इस तरह जा रहा है, ऐसे घूमता हुआ. मान लो कि पोलैरिटी को बदलना था, तो जैसे ही पोलैरिटी को चेंज करते तो हम लोग का ये वाला नेगेटिव हो जाता, ठीक है, दिस बिकम्स नेगेटिव, और ये वाला हम लोग का पॉजिटिव बन जाता, तो करंट बदल जाता डायरेक्शन करंट का. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी बदलता, लेकिन फील्ड लाइन सिमिलर उसी तरह था बार मैग्नेट की तरह, बस यहाँ का पोलैरिटी चेंज हो जाता. ठीक है,
तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड. वेरी सिंपल. अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन सॉलिड एंड बार मैग्नेट, तो बोलना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज सिमिलर इन सोलिनॉइड एज वेल एज इन बार मैग्नेट. बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये कि सॉलिड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलिनॉइड इज अ टेम्पररी मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट. We can not change the polarity of bar magnet because it is a permanent magnet, but we can change the polarity of solenoid as we change the direction of current, ठीक है, और the polarity of the battery. इसकी वजह से क्या हो जाएगा? Solenoid का polarity भी बदल जाएगा, ठीक है? तो एक magnet की तरह behave करता है. इसका field lines bar magnet का ही बनेगा. कभी कभी लिखने आएगा कि field line draw कीजिए आप solenoid का, तो इसका bar magnet field lines तो बिल्कुल bar magnet की तरह ही draw करोगे, ठीक है? Similar to bar magnet draw करोगे. और सॉलिड का डायग्राम दिखाना, तो ये होगा सॉलिड का डायग्राम. इट इज अ फिगर ऑफ डायग्राम ऑफ सॉलिनॉइड, ठीक है? तो ये एक जो फिगर वन है और ये फिगर टू है, ये हो जाएगा सॉलिनॉइड का डायग्राम और ये हो जाएगा उसके फील्ड लाइंस का डायग्राम. कुछ प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज क्या है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज दिखने आता है कि सॉलिनॉइड का प्रॉपर्टीज बताइए, क्या लिखोगे? अच्छा बताओ, इतना बता दिए, तुम लोग खुद से बताओ प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए. सब अभी तो हम बताएंगे, बट तुम लोग बताओ तो क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए. अपने से बोलो दो तीन पॉइंट. सर, वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ द सोलेनोइड्स. वेरी गुड, पहला प्रॉपर्टी. और कुछ? सर, पावर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल और डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ करंट. वेरी गुड, इट पॉजिटिव. वेरी गुड. स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द करेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट. वेरी गुड. और बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग बताओ जल्दी. दो पॉइंट इन्होंने, दो पॉइंट बोला इन लोग, सही है. और बाकी कुछ पॉइंट्स बोलो, बोलो और क्या हो सकता है, जल्दी बोलो. इट हैज सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिमिलर टू परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक. और कुछ? और सर इसमें लिखा से देख के बोले. हाँ देख, हाँ ठीक है, हम तो बता देंगे अभी. नहीं, अपने सवाल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड. हां, यही बात पूछ रहे थे. टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा. हां यही बात है, ठीक है. तो बस यही सब बनाया हो एक बार सोलेनोइड दो तीन बार, ठीक. यही सब प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग. तो जैसे कि इसने बोला अभी तक, वो सारा प्रॉपर्टी तो है ही, ठीक है. सर, ये फर्स्ट वाला डायग्राम थोड़ा समझाइए ना. फर्स्ट वाला डायग्राम, यही डायग्राम है इसका ना, क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू दिखाया गया है. मतलब ये तुम साइड व्यू देख रहे हो ना. हाँ, फ्रंट से देखोगे तो करंट के, करंट जैसे करंट लीव कर रहा है हर पॉइंट पे कैसा दिखेगा, सर्कुलर टर्न दिखता है ना. यस सर. करंट एंटर या लीव करेगा तो आसपास कैसा फील्ड लाइंस बनेगा, सर्कुलर. बस वही दिखाया गया, ठीक है. बना सकते हो, बट इसको बनाओगे ज्यादा सही है. किताब में यही सब दिया रहता है, ये फ्रंट पार्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है. इसको बनाते हैं, और बनाना है तो बना सकते हो, बट इसको हम सर्कुलर कॉइल वाले डायग्राम में बनाते हैं, ठीक है. देखो पहला क्या प्रॉपर्टी था. पहला प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड. या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सॉलिनॉइड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कितना टर्न है पर लेंथ. अगर पर यूनिट लेंथ टर्न को बढ़ाते हैं गए, टर्न का मतलब होता है ये वाला कुंड जिसको कर रहा है ऐसा हेलिक्स, इसमें कितना टर्न्स को बढ़ाते जा रहे हैं. जितना टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता रहेगा, ठीक है. तो ऐसे बोलेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और द नंबर ऑफ टर्न्स. सभी को समझ में आ गया होगा, याद भी रहेगा, बहुत सिंपल सा बात है. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा, पहला ही हो गया, ठीक है. दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू सोलिनॉइड. यह भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं. किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा?
उसके थ्रू जितना करंट पास करो उसके स्ट्रेंथ पे, जितना करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ जाएगा, बस वही बात लिखा हुआ है। अगर सोलेनोइड में हम लोग करंट को पास करंट को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा सोलेनोइड की वजह से, वो भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, द फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच द कॉइल वुंड। देखो जैसे तुमने जो यहाँ पे सॉफ्ट ये लिया है एक सिलिंड्रिकल कोर, जो सिलिंड्रिकल कोर लिए हो मतलब जिसपे तुम वायर को लपेट रहे हो, उंड कर रहे हो, जैसे मान लो एक हम लोग कोई लकड़ी का ले लिया ऐसा कोर, या फिर कोई कार्डबोर्ड ले लिए या कोई आयरन ले लिए, उसको बोलते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल कोर, जिसके ऊपर हम लोग तार को लपेट रहे हैं, मतलब कंडक्टिंग वायर को लपेट रहे हैं, जिसके ऊपर उंड कर रहे हैं, तो उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए अगर अच्छा मैग्नेट बनाना है हम लोग को, अगर स्ट्रॉन्ग सॉलिड बनाना है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, उससे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो यही बात बोला गया है, वही बोला गया, क्या बोला गया कि द फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच द कॉइल इज वुंड। तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, एक सवाल पूछा जाएगा, ये बताइए कैसे हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे किसके ऊपर उन करने से, तो आंसर होगा सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, समझ में आ गया, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट। अच्छा लिख ही दिया है फोर्थ पॉइंट, देखो वही बात जो हम बताएं, इफ आयरन कोर इज केप्ट इनसाइड सॉलिड फील्ड इज इंक्रीजेस, अगर तुम सॉफ्ट आयरन कोर या आयरन कोर लोगे तो बढ़ जाएगा फील्ड। ठीक है, डेफिनेटली फील्ड बढ़ जाएगा, वही बात बोला गया है। ठीक है ना, फिफ्थ पॉइंट देखो, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिड, फिर से वही पॉइंट लिखा हुआ है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर और सॉफ्ट आयरन कोर द सेम थिंग। अभी जो बताया उसको दो पॉइंट में अलग अलग पार्ट में लिखा गया है। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विद इन द सॉलिड इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्सिस ऑफ सॉलिड। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब इस तरह का, देखो पैरेलल है आपस में सॉलिड के अंदर, सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर पैरेलल है। ठीक है, आपस में क्या है पैरेलल है, और यहाँ भी पैरेलल है बट यहाँ पे यूनिफॉर्म है पूरी तरह से। ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल ईच अदर एक्सिस ऑफ द सॉलिड, एक्सिस ऑफ द सॉलिड से पैरेलल है। अगर इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ द सॉलिड, ये वाला एक्सिस अगर है तो इस एक्सिस का सारा फील्ड लाइन क्या है पैरेलल हो जाएगा। तो बस ये कुछ पॉइंट है जिसको याद रखना हम लोगों को, ओनली सिक्स पॉइंट, इसको फाइव पॉइंट्स बोल सकते हैं, एक तो एक पॉइंट दो बार लिखा हुआ है तो फाइव पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है। कोई डाउट किसी को है यहाँ तक बोलो जल्दी से। सर पहला वाला पॉइंट है वो फिर से बताइए ना। पहला वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, देखो जैसे मान लो तुम लोग दो दोस्त हो, ठीक, तुम लोग दो दोस्त हो, ठीक है, एक तुम और तुम्हारा कोई फ्रेंड है और तुम लोग को हम बोले कि सॉलिड बनाओ, दो सॉलिड बनाओ, तो क्या करोगे, दोनों बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो मान लो कि तुमने बनाया एक ऐसा सॉलिनॉइड, कोई ऐसे यहाँ पे क्या लिए हो, कोई भी ऐसे सॉफ्ट ये ले लिए, एक कोई भी सिलेंडर टाइप का शेप ले लिए हो और उस पर कॉपर का तार लेके ऐसे इसको उंड कर रहे हो, इस तरह इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर लपेट रहे हो तार को। ठीक है, ऐसे तार को इसके थ्रू इसके ऊपर ऐसे उंड कर रहे हो, है ना। तो ये पहला तुमने बनाया सॉलिनॉइड और यहाँ से करंट पास करा दोगे तो मान ले सॉलिड बन जाएगा। अब तुम्हारा फ्रेंड जो है वो भी सॉलिड ड्रॉ कर रहा है, मतलब वो भी एक सॉलिड बना रहा है, ड्रॉ नहीं कर रहा है बना रहा है। ठीक है, वो भी क्या किया, कोई एक मटेरियल ले लिया सपोज और इसके ऊपर तार को उंड किया, बट उसने थोड़ा ज्यादा उंड किया, इसका मतलब क्या है कि टर्न्स बहुत ज्यादा है। अगर तुमने 100 टर्न किया तो वो 200 टर्न्स किया उतने ही लेंथ पे। ठीक है, सपोज तुमने इतना लेंथ पे 100 टर्न्स किए हो और तुम्हारा फ्रेंड कितना किया, तुम्हारा फ्रेंड जो वो 200 टर्न्स किया इतना ही लेंथ पे। ठीक है, सेम वायर है दोनों का, कॉपर वायर, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा बोलो, पहला नंबर कि दूसरा नंबर वाला? दूसरा नंबर वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और दोनों का ये मटेरियल सेम था, इसने भी सॉफ्ट आयरन कोर लिया, इसने भी सॉफ्ट आयरन कोर लिया। तो बस वही बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और द मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिनॉइड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितना नंबर ऑफ टर्न लेते हो या फिर सिंपली नंबर ऑफ टर्न।
अभी दूसरा नंबर स्टूडेंट में मान लो जो तुम्हारा फ्रेंड है वो करंट को 2 times कर दिया, स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। अब तुम इससे ज्यादा तुमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, तुम यहाँ पे टर्न को बढ़ाते रहोगे, तुम इस टर्न को 300 कर दोगे, सपोज टर्न बढ़ता गया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को 4 times कर दोगे, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट को 4 times कर दोगे, तो और इससे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इसी तरह सॉलिड पे क्या हो जाएगा, हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स और कितना करंट का स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड कर रहा है कि कैसा मैग्नेट बन रहा है। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग को टर्न्स भी बढ़ाना पड़ेगा और स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। यही बस लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इन सॉलिनॉइड इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। बोलो समझ में आ गया? हां सर। यहां तक किसी को डाउट है? बोलो और कुछ डाउट स्टार्टिंग से? चलो बताओ, हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा, एक मिनट बस, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कोई भी बताओ, ओमकार, आदित्य, कोई बताओ, आर्यन, ये बताओ कि क्या समझ में सोलेनोइड से, जल्दी से बताओ इसको, एक्सप्लेन करो जल्दी से। बताओ शॉर्ट में। सोलेनोइड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म बाय द वाइंडिंग वायर इन winding wire, also known as helix. Wire is wound on a circular, cylindrical soft iron. The amount of the power of the magnetic field depends on the amount the current depends on the current. Check. And also the number of winds. Of wire. Power of magnet is such a term बोलना है, intensity of the strength of magnet. Intensity of strength of the magnetic. Okay, check, check, very good. अच्छा, ठीक है, और कैसे बनेगा समझ में आ गया, करंट का कैसे पोलैरिटी चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गया होगा, है ना सभी को? किसी कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। और पिछला क्लास का आज वाला क्लास का थ्योरी सबको देखोगे घर में, याद नहीं करना है, समझोगे, समझ के लिखोगे अपने लैंग्वेज पे या फिर नोट्स कॉपी में, उसको जो नोटबुक बनाते हैं उसमें लिखना है सब, ठीक है, प्रॉपर्टीज डायग्राम ड्रॉ करना, तो बोर्ड के लिए तुम्हारा अभी से प्रिपरेशन हो जाएगा, बस क्वेश्चन आंसर जो देंगे करने के लिए, प्रॉब्लम्स कुछ देंगे, ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में थियोरेटिकली मिलेगा, ठीक है, बता देंगे किस तरह का आता है 10th क्लास में, और कुछ कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताएंगे, वो सबको करना है घर में, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं अब। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर एक सेकंड रुको, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ सर से ले लेना जरूर, हम भेज देंगे तुरंत क्लास के बाद, इसका पीडीएफ ले लेना सभी लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला जो टॉपिक है हम लोग का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड force on a current carrying wire kept in a magnetic field, ये भी बहुत सिंपल है। देखो तुम लोग के किताब में एनसीईआरटी इतना इसका ये नहीं दिया गया है मैथमेटिकल टर्म, लेकिन इसका मैथमेटिकल टर्म बहुत सिंपल है, एग्जाम में जरूर लिखना मैथमेटिकल टर्म भी, ठीक, बहुत सिंपल है, सभी लोग समझ जाएगा तुरंत 2 minutes में, बहुत सिंपल मैथमेटिकल टर्म इसका, एनसीईआरटी में थोड़ा और साइड बुक में भी थियोरटिकल टाइप का देता है, बट मैथमेटिकल टर्म थोड़ा सा देखना इस पे, ठीक है। तो हेडिंग देख रहे हो, हेडिंग में क्या बोला गया है, फोर्स, हेडिंग में क्या बोला गया है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायग्राम सब लोग पहले ध्यान से, जो है इस डायग्राम पे ही है समझने वाला बात, ठीक, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक स्टैंड है, देखो एक स्टैंड तुमने ले लिया, ठीक, इस स्टैंड के थ्रू एक क्या किया, एक ऐसा हम लोग कंडक्टिंग वायर लिए, और कंडक्टिंग वायर में एक बैटरी लगा दिए है यहाँ पे, ये क्या एक बैटरी है, ठीक है, एक स्विच है, और करंट पास करने लगा,
और इसके बीच में ए बी दिख रहा है ना, ए बी एक कोई भी कंडक्टर है, कोई भी टुकड़ा टाइप का है, मतलब इस तरह कोई कंडक्टिंग एक छोटा सा पार्ट है कंडक्टर का, सपोज कोई मेटल ही पार्ट है, ठीक है, कोई रॉड टाइप का है, आयरन रॉड हो गया या फिर कोई भी मेटल का रॉड, ठीक, एक टुकड़ा है छोटा सा, उसको हम लोग तार का एक एंड इस एंड पे कनेक्ट कर दिए और दूसरा एंड यहाँ पे उसके एंड पे कनेक्ट कर दिए, मतलब जो वायर है उसको इस रॉड का यहाँ पे कनेक्ट कर दिए वायर को और एक बार इस एंड पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, तो हम लोग अब पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब डेफिनेटली ए बी भी एक तरह का कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा क्योंकि एक पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कैसे बना, देखो ये पॉजिटिव है ना, इसको थोड़ा अच्छा से बता दे रहे हैं, ठीक है, डायग्राम ताकि तुमको समझ में आ जाए, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ऐसे करंट पास करना शुरू करेगा, ऐसे करंट जा रहा है इस तरह गया, यहाँ आया, इसके थ्रू भी पास करेगा क्योंकि ये तो कंडक्टर ही है। अगर यहाँ पे कोई प्लास्टिक का रॉड लगाए थे या लकड़ी का लगाते, करंट पास नहीं करता, इंसुलेटर हो जाता, बट यहाँ पे हम लोग कोई मेटलिक रॉड लगाए हैं, करंट पास करेगा, करंट पास करेगा, करंट इससे फ्लो करेगा इस तरह, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगा, बस यहाँ पे नेगेटिव तक फ्लो किया। इस पूरे सेटअप को हम लोग एक स्टैंड यहाँ पे लिए हैं, कुछ सपोज एक कोई भी स्टैंड है ना, यहाँ पे स्टैंड पे फिक्स कर दिए और यहाँ पे क्या लगा दिए, देखो एक हॉर्सशू मैग्नेट है, तुम लोग हम पहले पढ़ाए थे ना हॉर्सशू मैग्नेट, देखो नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल दिख रहा है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ यहाँ पे क्या है नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है साउथ पोल है, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ पोल है, ठीक है ना, हॉर्सशू मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ऐसे लगा दिए चारों तरफ, मतलब यहाँ पे रख दिए इसके बीच में, इस कंडक्टिंग वायर के बीच में, इसको 3D में इमेजिन कर लो, तो जस्ट क्या है यहाँ पे एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा हुआ है, दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ये हो जाएगा हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, इसको पूरा लिखते नहीं है, शॉर्ट में लिख देते हैं, डायग्राम से पता ही चल रहा होगा हॉर्सशू मैग्नेट है ये, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ठीक है, हॉर्सशू हम लिख देते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है ना, एक हॉर्सशू मैग्नेट हो गया और इसको क्या बताया, स्टैंड है और ये हो जाएगा स्टैंड, ठीक है, तो देखो इस तरह के हम लोग सेटअप कर लिए, क्या सेटअप किए, एक करंट कैरिंग वायर लिए हैं, उस पर एक रॉड लगा दिए ए बी और उसको हम लोग किसी मैग्नेट के बीच में रख दिए, कैसा मैग्नेट, कोई हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में। तो डेफिनेटली तुम लोग अभी तक इतना कुछ पढ़े हो उस चैप्टर में तो ये तो बात जान गए हो कि कोई भी करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो ये करंट कैरिंग लूप भी क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा, और यहाँ पे पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, कौन, हॉर्सशू मैग्नेट, यहाँ पे दिख रहा है हॉर्सशू मैग्नेट भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह कोई सेटअप लोग है ना, तो करंट कैरिंग वायर क्या करेगा ना, अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग वायर को रख देंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड पे, तो करंट कैरिंग वायर फोर्स लगाएगा, यानी ये जो वायर दिख रहा है, ये जो रॉड दिख रहा है करंट कैरिंग रॉड, ये फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये क्या एग्जर्ट करेगा, ये फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है, ये सिंपली फोर्स एग्जर्ट करेगा, कैसे टर्न करने की कोशिश करेगा, ये इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं या फिर इसी सेटअप से समझ सकते हैं कि ऑलवेज करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कैन केप्ट इन अ मैग्नेटिक विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये एक्सपेरिमेंट भी क्लास 10th में है तुम लोगों का, जिसको समझना है, और इसके यूज करके हम लोग देखेंगे जनरेटर वगैरह में भी देखेंगे इसका यूज, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है,
It is observed that when a current carrying conductor is kept in a magnetic field perpendicular to the direction of current, it experiences the force. देखो, यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है और यहाँ भी करंट ऐसा आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना? तो दोनों जगह क्या है, इस रॉड का परपेंडिकुलर है, रॉड ऐसे जा रहा है ना अंदर की तरफ, इसलिए इस तरह दिख रहा है हम लोग को, ऐसा मान लो रॉड है, तार इस तरह है यहाँ पे, तो करंट क्या है, रॉड का परपेंडिकुलर है। तो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर या फिर करंट कैरिंग रॉड को तुम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, और कैसा रखोगे, ताकि करंट परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल याद रखना। इसका एक्सप्लेनेशन बस लिखा हुआ है, उसको अच्छे से बता देते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना घर में अभी क्लास के बाद, ठीक, समझने के लिए, बहुत सिंपल डायग्राम है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग एक लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे हम लोग एक कंडक्टिंग रॉड ले लिए, है ना, कंडक्टिंग रॉड को हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए स्टैंड के हेल्प से, और हम लोग इसके बीच में एक हॉर्सशू मैग्नेट को रख देंगे, हॉर्सशू मैग्नेट मतलब एक परमानेंट मैग्नेट को रख देंगे। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही करंट पास करेगा, करंट कैसा है, करंट रॉड से परपेंडिकुलर है, देखो ए एंड और बी एंड दोनों पे करंट कैसा दिख रहा है, रॉड का परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो जैसे ही इस पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये रॉड क्या होगा, रॉड घूमने की कोशिश करेगा, रॉड टर्न करेगा, रॉड पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्या बोला गया, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर वुड बी शोन इन द फिगर। अब देखो कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है, ये देखो ऐसा मान लो तार जा रहा है तो सर्कुलर बनेगा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले, यहाँ पे भी सर्कुलर बनेगा, यहाँ पे भी सर्कुलर बनेगा, और इसका कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड किसका, हॉर्सशू मैग्नेट का, तो फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ना, और ये किसकी वजह से बना, ये करंट की वजह से बना, करंट की वजह से अपने चारों तरफ, तो दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इस फील्ड लाइन का और इस फील्ड लाइन का, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, वही क्या कर रहा है, वही तार को घुमा रहा है, मतलब रॉड को घुमा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर वुड बी शोन इन द फिगर, समझ में आ गया, बी में। व्हेन दिस कंडक्टर, और क्या है ये, द हॉर्सशू मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रहा है वो स्टेट देता है, हॉर्सशू मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि ए डायग्राम पे दिखाया गया, ठीक इसी तरह लिखोगे एग्जाम में भी, ठीक है, डायग्राम बनाओगे सब फील्ड लाइंस का, इससे पता चलेगा कि आइडिया है फील्ड लाइंस के बारे में, समझ में आ रहा है। हॉर्सशू हमेशा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, और तार कैसा बनाता है, तार सर्कुलर बनाता है करंट कैरिंग वायर अपने आसपास। तो व्हेन दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, जब इसको परमानेंट मैग्नेट के पोल के बीच पे रखा जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है इससे, दिस लाइंस, इससे क्या होगा, जब इसको पोल्स के बीच पे रखा जा रहा है तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये आपस में दो फील्ड क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा। सुपर इम्पोज करने का मतलब वही है, देखो ये एक हॉर्सशू मैग्नेट का फील्ड है और ये करंट वाला फील्ड है, मतलब तार की वजह से दोनों आपस में इंटरेक्ट किया, सुपर इम्पोज किया। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, एक साथ ऐड होना या फिर इंटरेक्ट होना। तो आपस में क्या कर रहा है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि सुपर इम्पोज कर रहा है, ठीक है ना, सुपर इम्पोज करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, क्राउड ऑन द राइट, ठीक है, इस तरह ऐसा दिखेगा हम लोग को, इस तरह डायग्राम आएगा कुछ। तो ये क्या करेगा, ये इस कंडक्टिंग वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन क्या करेगा, कंडक्टिंग रॉड को घुमाएगा, यानी कंडक्टिंग रॉड पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, और जो फोर्स लगेगा वो फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वही सब फैक्टर जो अभी तक तुम पढ़े हो। फोर्स डिपेंड करेगा कितना करंट पास कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या है, द फोर्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर, पहला पॉइंट। दूसरा, फोर्स ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली फोर्स स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। और तीसरा क्या होगा, कितना कंडक्टर का लेंथ था, जो रॉड हम लोग रखे हैं ये कंडक्टिंग रॉड ए बी, उसका लेंथ कितना, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब तुम इस तीनों फैक्टर को कंबाइन करोगे, कौन कौन सा फैक्टर, एक तो फोर्स डिपेंड कर गया किस पे, करंट पे, एक फोर्स डिपेंड कर गया किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और एक किस पे डिपेंड किया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, आई बी और एल, इन
इन सभी को जब तुम एक साथ लिखोगे क्या लिखोगे, F proportional to BIL, F equal to KBIL, K यहाँ पे constant of proportionality है, ठीक है, इसका वैल्यू वन लेंगे हम लोग जनरली, इसका वैल्यू वन लेंगे, इसलिए फोर्स क्या होगा यहाँ पे बी आई एल हो जाएगा, ये मैथमेटिकल टर्म था थोड़ा सा, बहुत सिंपल, ठीक है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द करेंट कैरिंग, देखो लिखा हुआ है क्या यहाँ पे नोट में, इसको समझ लो, नोट में क्या लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी करंट कैरिंग वायर को हम लोग मतलब करंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर हो, इफ ऐसा बोल सकते हैं जो रॉड लिए कंडक्टिंग रॉड उसका करंट परपेंडिकुलर होने से, ठीक है, इसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे अभी इसके बाद जस्ट, ठीक, बोलो कोई डाउट है यहाँ तक किसी को समझने में, जल्दी बोलो, ग्राउंड सी में क्या शो कर रहा है ये, एक सर्कुलर है और एक सी में शो कर रहा है दोनों का इंटरेक्शन, दोनों का सुपर इम्पोज, देखो ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है ना जिसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा ग्रीन मार्क कर देते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक, इसको हम थोड़ा ग्रीन मार्क कर देते हैं, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, ऐसे थोड़ा ग्रीन मार्क कर दे रहे हैं, और ये क्या है इसको हम लोग थोड़ा येल्लो से मार्क कर दे रहे हैं, ये अपना कंडक्टिंग वाला पार्ट था, ठीक है, जो तार वायर था कंडक्टिंग वायर कंडक्टिंग रॉड, तो ये जो है ना ये ग्रीन वाला का मैग्नेटिक फील्ड है, हॉर्स शू का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होता है, और किसी तार का तुम जानते हो क्या होता है, सर्कुलर होता है अपने आस पास, सर्कुलर, ये दोनों का इंट्रैक्शन हो गया, ये यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे ग्रीन वाला भी है और येल्लो वाला भी है, बोलो क्लियर है क्या बोले, यस सर, ठीक है, ऐसे याद रखना समझने के लिए, ठीक है, तो इस बात इसको याद रखना बस, कोई भी करंट कैरिंग वायर तो अगर हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, हॉर्स शू मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, हॉर्स शू मैग्नेट हमेशा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो ये हमेशा एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है, और इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये फोर्स का वैल्यू डिपेंड करेगा करंट पे, कौन सा करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है उस वायर पे या फिर रॉड पे, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह का है उस पे, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर लेंथ हम लोग कैसे लिए हैं, इस तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, बी आई एल, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे के इक्वल टू वन करके, फोर्स का वैल्यू आएगा बी आई एल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करेंट, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग क्या रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखेंगे, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे हमेशा राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, देखो यहाँ दिख भी रहा है, यहाँ देखो दिख भी रहा है, एक सेकंड रुको, ठीक, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये फील्ड लाइन्स इस तरह है परपेंडिकुलर, पूरा ऐसा ऐसा फील्ड लाइन्स बनेगा, अगर तुम देखोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ बनेगा इस तरह का, मान लो इसको हम लोग ग्रीन से दिखाते हैं, ऐसा बनेगा, और देखो इसका परपेंडिकुलर ठीक यहाँ पे करंट है, ये ऐसा बोल सकते हैं करंट परपेंडिकुलर है जो रॉड है ना उस रॉड का, ठीक है, तो ये घूमेगा मतलब फोर्स लगेगा इस पे, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम कंसेप्ट बहुत काम आएगा और बहुत सिंपल भी है, ठीक, अब बात है कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग और एक रूल पढ़ते हैं, अब तक हम लोग दो रूल पढ़े हैं, एक तो एम्पियर का राइट हैंड थंब रूल, एक मैक्सवेल का स्क्रू रूल, लेकिन मैक्सवेल का स्क्रू रूल का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ज्यादातर एम्पियर का थंब रूल यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं और एन सर्कल को हाथ का जो बाकी फिंगर्स है कर्ल्ड फिंगर्स उसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, अभी हम लोग और एक यहाँ पे यूज करेंगे क्या नाम है डायरेक्शन निकालने का तरीका को, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग रूल, ठीक है, फ्लेमिंग का रूल, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग रूल्स, ठीक है, एक सेकेंड देखो, ये नहीं है, यहाँ हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग
राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल और एक बार राइट हैंड रूल भी यूज करेंगे इसके बाद इंडक्शन में यूज करेंगे फिर. हाँ यहाँ पे लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. देखो सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर लिखे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सभी लोग अपने अपने हाथ का लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड को लो, अपने लेफ्ट हैंड को लो सब लोग. ठीक है सभी लोग लो लेफ्ट हैंड को ले लिए बोलो. यस सर लिए हो ना लेफ्ट हैंड सब लोग लो ऐसे. अब क्या करोगे तीन फिंगर कर लो. कौन कौन सा फिंगर? एक तुम लोग फोर फिंगर सब लोग जानते हो. चौथा जो फिंगर उसको लो. एक लो थम और एक लो मिडिल फिंगर. ठीक है फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थम तीनों फिंगर को ले लो सब लोग. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कौन कौन सा फिंगर लेंगे हम लोग? हम लोग लेंगे फोर फिंगर. ठीक है और कौन सा? मिडिल फिंगर और थम. फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थम. अब तीनों फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर रखो ऐसे परपेंडिकुलर टाइप जो डायग्राम में दिख रहा है इस तरह का. ठीक है ना क्या सब लोग किया ऐसा बोलो. रखे हो सब लोग परपेंडिकुलर? यस सर. ठीक है ना इस तरह का रखो. जैसे एक फिंगर मान लो कि ये हम लोग लेते हैं फोर फिंगर सपोज. ये अपना सपोज मान लो फोर फिंगर है. ठीक है ये फोर फिंगर हो गया सपोज मान लो. फोर्थ नंबर जो फिंगर है उसको ले रहे हैं. ये फोर्थ फिंगर हो गया. ठीक है अच्छा ये हम लोग का मिडिल फिंगर हो गया. ऐसा हम लोग मिडिल फिंगर ले रहे हैं. बहुत सिंपल है. ठीक ध्यान देना थोड़ा. ये हो जाएगा मिडिल फिंगर. ये कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ हो रहा है इसको थोड़ा पेन दुख जाता है कभी कभी. सब लोग समझ ही रहे होंगे बट हम बता दे रहे हैं और एक बार अच्छे से. देखो मान लो कि ये वाला हम लोग का ऐसा एक फिंगर ले लिए विच इज द सपोज फोर्थ फिंगर. ये अपना फोर्थ फिंगर हो गया. ठीक है और यहाँ हम लोग का ऐसा टाइप का फिंगर होगा परपेंडिकुलर का जस्ट थ्री डायमेंशन में बना सकते हैं हम लोग. तो ये जो फिंगर होगा दिस इज द सपोज दिस फिंगर इज मिडिल फिंगर. ये लोग मिडिल फिंगर लिए हैं. ठीक है ना ऐसे स्ट्रेच किया आपस में. तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है तीनों आपस में. ये हम लोग लिए मिडिल फिंगर और यहाँ पे हम लोग ऐसे थंब रहेगा. थंब भी क्या है परपेंडिकुलर है. सपोज ये वाला जो फिंगर है ये हम लोग का ऐसे यहाँ पे थंब बता रहा है. ये एक रफ डायग्राम है अच्छा नहीं बनाया तो ठीक है पेन से नहीं बन पा रहा है तो समझ लो कि ऐसा थंब है. तो तीनों जो फिंगर्स है ना ये आपस में यहाँ पे इस तरह ये हैंड हो गया हम लोग का सपोज ऐसे परपेंडिकुलर दिखाओगे. ठीक है देखो डायग्राम पे जो बना हुआ है. तो एक फिंगर जो तुम यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोर फिंगर वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है. ठीक है वो डायरेक्शन ऑफ क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड. क्या बोलेंगे? स्ट्रेच द फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तीनों को आपस में परपेंडिकुलर कर दो ऐसे जैसे डायग्राम पे दिखाया गया है. ठीक अब क्या हो जाएगा इस पे? फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है. सपोज मान लो कि फोर्थ फिंगर को हम लोग मानेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द फोर्थ फिंगर व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है अच्छा मिडिल फिंगर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट है. मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये जो मिडिल फिंगर है ये सपोज हो गया फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड. ये हो जाएगा मिडिल फिंगर. ठीक है ये करंट आपस में दोनों परपेंडिकुलर. और एक फिंगर कौन बचा? थंब बचा. थंब फिंगर बचा. थंब क्या देगा?
thumb will give the direction of motion of the conductor. मतलब जिधर force लग रहा है, motion या force, जो भी बोलेंगे हम लोग. ये suppose thumb है, ये हो गया अपना forefinger, ये हो गया middle finger, ये हो गया thumb finger. ठीक है, this will give us motion or the force, direction of force, जो भी बोलो. देखी बात है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे बाद में, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग. ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, याद रखना. ये एग्जाम में लिखने के लिए आता है, 2 मार्क्स में. एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो डायग्राम बनाओगे बढ़िया से और बोलोगे कि इफ वी कंसीडर आवर 3 फिंगर्स, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब फिंगर इन सच अ वे दैट बोथ, इन सच अ वे दैट द 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, देन 4 फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करेंट, एंड द थंब फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द मोशन ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आवर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा आईबीएल साइन थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल है, जनरली परपेंडिकुलर ही होता है. ठीक है, इस बात को कंसीडर नहीं करना है अभी. ये बोला गया कि अगर परपेंडिकुलर ना हो, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर तो क्या होगा, थीटा को 90 डिग्री होगा और साइन 90 का 1 होता है, इसलिए फोर्स आता है BIL. तो अगर नहीं होगा तो उसका कंडीशन अलग है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है. अब इस पे देखो यूज करेंगे क्या, यहाँ पे लोग यूज करेंगे इसी डायरेक्शन को. देखो यहाँ यूज करो, सब लोग अपने हाथ से इसको यूज करो जल्दी जल्दी. देखो अगर मान लो ये तार है, तार जो हो गया वो इधर कंडक्टर है, वो डायरेक्शन ऑफ क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है. ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो वायर दिख रहा है एस, यहाँ पे लगाओ. देखो इस पोर्शन में लगा रहे हैं हम लोग, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं. सब लोग आराम समझना अच्छे से एकदम, और घर जाकर रिवाइज करना एक बार. ठीक है, सबको अच्छे से अपने से. तो देखो यहाँ पे लगाते हैं, देखो इधर हम लोग ना ये करंट डायरेक्शन लगाए, ये सपोज करंट हो गया अपना, है ना. अब देखो फील्ड लाइंस तो ऐसा बनेगा, फील्ड लाइंस हो गया, फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स ठीक इसका परपेंडिकुलर लगेगा, तीनों का परपेंडिकुलर ऐसा फोर्स लगेगा, इधर परपेंडिकुलर इस तरह फोर्स होगा आपस में तीनों, मतलब इस तरह परपेंडिकुलर दिस, ऐसा देखो एक सेकंड, ऐसा ऐसा और ऐसा. ठीक है, तो अगर ये हो गया अपना करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फोर्स, तो घूमेगा ये ऐसे, टर्न कर रहा है इस प्लेन पे, फोर्स टर्न कर रहा है. ठीक है, इस तरह हम लोग लगा सकते हैं. इसको बोलते हैं फ्लेमिंग क्या, लेफ्ट हैंड रूल. बोलो समझ में आ गया सभी को? यस सर. कोई भी डाउट है तो पूछो, बोलो. सब लोग करके देखे हो ना, मतलब इसको ये किए हो ना ठीक से 3 डायमेंशन में. यस सर. तीनों हाथ, तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखना है बस. एक 4 फिंगर बताएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मिडिल फिंगर करेंट, तो थंब बताएगा फोर्स का डायरेक्शन. कोई डाउट किसी को, जल्दी बोलो, फिर बता देंगे डाउट होगा तो. आज के क्लास में कोई डाउट यहाँ तक, बोलो जल्दी, कोई डाउट नहीं है. ठीक है, वेरी गुड. तो देखो तुम लोग रिवाइज करना, ठीक है, यही तो एग्जाम में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए आता है. लिखिए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड 5 मार्क्स में. ये भी छोटे छोटे इस पर 2 मार्क्स का सवाल आएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखिए, किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक बार. और इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया लेवल का भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अच्छा तुम लोग को इसका ये मिला है, बोलो तो, बुकलेट मिला है? यस सर. मिल गया बुकलेट, कोई डाउट नहीं है बुकलेट में, बनाते हो बुकलेट? सर अभी नहीं बनाया है. अभी नहीं बनाए हो, तो आज सबका होमवर्क है, सुनो, आज सबका होमवर्क ये है ना कि बुकलेट जाके देखना घर में, और बुकलेट में जहां तक पढ़ाए हैं, ठीक है, बुकलेट में हम लोग जहां तक पढ़ाए हैं यहाँ तक टॉपिक, उतना पूरा बुकलेट से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. देखना बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, कुछ अच्छा भी मिलेगा. कोई डाउट होगा तो ग्रुप में भेजना या पूछना क्लास में,
जाके जरूर सॉल्व करना, ठीक, इसको सॉल्व करना, ठीक है, सभी लोग अच्छे सॉल्व करना जाके। और इसके अलावा कोई भी अगर साइड किताब है, साइड बुक है, तो उससे भी बना सकते हो, उसको भी देख सकते हो। और तुम लोग रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अभी तक मैग्नेट का जितना कुछ पढ़े हैं, शायद पांच क्लास है, आज पांचवा क्लास तक, फिफ्थ क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़े थे, सब कुछ समझ में आ गया था। बोलो, फोर्थ क्लास है, अच्छा जो भी हो, तो फोर्थ क्लास अगर है आज, तो अब तक फोर्थ क्लास में जितना कुछ पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, फिर ओरिजिन ऑफ मैग्नेट पढ़े थे। इसके अलावा हम लोग कुछ मैग्नेट देखे थे, परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक रीजन, कंपास, इसके अलावा फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनोइड, प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनोइड। इसके अलावा हम लोग फोर्स ऑन करंट कैरिंग, कंडक्टिव कैपिंग, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सब कुछ देख चुके हैं। प्लीज सब अच्छे से रिवाइज करना, डायग्राम जहाँ जहाँ है लिटिल क्लीन डायग्राम प्रैक्टिस करना, एरो बढ़िया से देना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एरो फील्ड कैसे निकालते हैं, सबका डायरेक्शन, थंब रूल, ठीक है, फ्लेमिंग थंब रूल, सॉरी एम्पियर थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, दो रूल देख चुके अब तक। मैक्सवेल रूल नहीं पढ़ना है, वो तो एक और तरीका है, मैक्सवेल से अच्छा हम लोग थंब रूल ही पढ़ते हैं, एम्पियर थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये सब देख लेना, फिर आज जितना चीज बताएं पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके अलावा करंट चैप्टर में हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़े थे, तो करंट को भी रिवाइज करते रहो, करंट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ये तो भूल जाओगे, फॉर्मूला सब देखो, सीरीज पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करो, जहाँ अटकोगे पूछो, ठीक है, उन लोगों ने तो एकदम होमवर्क अब देंगे ही, कंपल्सरी टाइप का दे देंगे, तो बना के हमको बताना है कि बना है कि नहीं, ठीक है, उनको बुकलेट से ही दे देंगे, तो या कोई किताब से भी बना सकते हो। इसके अलावा करंट चैप्टर में हाउस होल्ड सर्किट के बारे में पढ़ा दिए थे, हाउस होल्ड सर्किट, फ्यूज, उसके बाद फ्यूज क्या होता है, फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक कैसे काम करता है, उसके बाद नेटवर्क सिस्टम पढ़ाए थे, है ना, घर में कैसे नेटवर्किंग होता है वो सब बताए थे, लाइव वायर, ये सब तो देखते रहना, थ्योरी सारा नोट्स होगा तुम लोग के पास, जिनके पास नहीं होगा वो दे देना घर से या फिर अपने फ्रेंड से देना, और पढ़ते रहो। सितंबर तक पूरा, सितंबर बोला, अगस्त तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, इसमें और क्लास हम लोग को दो क्लास लगेगा, क्योंकि हम लोग इस पे वो सब नहीं पढ़ेंगे, लाइव वायर वगैरह। हाँ, तुम लोग में कोई एक एमसीबी पूछा था हमसे एक बात, तो एमसीबी हम पढ़ा देंगे, ठीक है, एमसीबी हम पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा, एक लाइव वायर वगैरह तो पढ़ लिए पहले, और एमसीबी इसमें पढ़ा देंगे, और अभी इसमें बचा क्या क्या, ईएमआई पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें दो चीज पढ़ना है, एक मोटर, एक जनरेटर, बस, ठीक है, डीसी मोटर और जनरेटर पढ़ना है, तो मोटर जनरेटर पढ़ा देंगे क्या होता है, ठीक है, वो अगले क्लास में हो जाएगा, और हार्डली एक क्लास लगेगा या दो क्लास लगेगा, एक क्लास में जनरेटर मोटर पढ़ेंगे और एक क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कुछ कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और देखेंगे किस तरह के एग्जाम्स में आता है, उस तरह क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेंगे। दो क्लास में ये वाला चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, और दो क्लास मैक्सिमम लगेगा। इसके अंदर ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, ऑप्टिक्स थोड़ा लंबा चैप्टर है, उसमें रे ऑप्टिक्स है और ह्यूमन आई है, तो उसमें थोड़ा सा लगेगा क्लास, एटलीस्ट 10-12 लेक्चर लग जाएगा उसमें, तो पूरा अगस्त में वो खत्म हो जाएगा ऑप्टिक्स, अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक तक, तो पूरा 10th का सिलेबस है। अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी तुम लोग का आ रहा है कि हट गया, बताओ तुम एग्जाम में, मतलब सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, बोलो, नहीं पता है सर, कुछ हटा है टॉपिक। अच्छा, हम पढ़ा देंगे, हटा चाहे नहीं हटा कोई मतलब नहीं, हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, नहीं भी हटेगा तो उसको पढ़ा देंगे, ठीक, ऐसे भी अच्छा नॉलेज तो हो जाएगा ना पढ़ने से एटलीस्ट, तो क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ लेंगे हम लोग पूरे अगस्त में, अगस्त में पूरा ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा हम लोग का, रे ऑप्टिक्स प्लस ह्यूमन आई सब मिला के पूरे अगस्त में अच्छे से हो जाएगा ए टू जेड, और सितंबर के 5 तारीख तक या फिर फर्स्ट वीक तक हम लोग का पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो जाएगा, वो बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, तो सितंबर तक मान लो कि अगस्त 31 तक या सितंबर के 2-3 तारीख तक पूरा सिलेबस 10th का हो जाएगा तुम लोग का फिजिक्स का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इतना टाइम मिलेगा, मार्च में अगर एग्जाम हुआ तो, क्योंकि हो सकता है इस बार तो लेट से हो, इस सेशन का स्टार्ट में टाइम लग रहा है बहुत अभी, तो जब भी एग्जाम हो बट तुम लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट रहेगा, तुम लोग उसके बाद 11th का पढ़ाई शुरू कर सकते हो या फिर कुछ एडवांस लेवल पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो,
या जितना हो सके क्वेश्चन बना सकते हो नाइन्थ का, टेंथ का या एनटीएससी का, ठीक है? अगर नहीं देना है तब भी तुम कुछ सीख सकते हो अपने से, देना है तो और अच्छा है, बना सकते हो। तो बस एक महीना में हो जाएगा फिजिक्स पूरा, ठीक है? तुम लोग काम है कि घर में रिवाइज करते रहना, जितना रिवाइज करोगे तो कोई प्रेशर नहीं होगा, मतलब उस समय एक बार देखोगे एग्जाम के पहले तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नया टॉपिक उस समय कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, जितना पढ़ाई करना अभी कर लो, जितना क्वेश्चन बनाना है अच्छे से एकदम 100%, ताकि कोई भी सवाल पूछे तो गलती ना हो, हर कॉन्सेप्ट पे 100% अच्छे से पढ़ाई कर लो, ताकि एकदम फुल मार्क्स आए साइंस में, खासतौर पे फिजिक्स में जितना पढ़ रहे हैं वो हम लोग, उसमें एकदम कोई भी टेस्ट हो स्कूल में या फिर कोई एग्जाम में तो एकदम फुल मार्क्स आए, आउट ऑफ जितना भी हो उतना में पूरा आए, ठीक है? इसके लिए अभी से मेहनत कर लो, जल्दी से चैप्टर हम लोग खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक महीना बस लगेगा और। तो ठीक है, आज हम लोग क्लास यहाँ पे कंप्लीट ये कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है? अगला क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे मोटर और जनरेटर के बारे में, ईएमआई के बारे में, ठीक है? और उसके फिर और एक क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आज का होमवर्क यही रहा कि तुम लोग सॉल्व करो घर में और रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है? ठीक है, चलो।